Assalamu alaikum, welcome back to Aviator for You. This is Mohammad Arham and I am the student of Aviation Management. My mission is to provide awareness about aviation. As you know, this is the fastest growing industry. और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारा पाकिस्तान का सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब सैलाब की नज़र हुआ हुआ है, तो अल्लाह ताला से आप लोग भी दुआ करें, मैं भी दुआ करूंगा, अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और हम पर अपना खुसूसी रहमो करम फरमाए। वीडियो का टॉपिक जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और बिना वक्त ज़ाया करे चलते हैं वीडियो की तरफ। So without wasting our time, let's start today's topic with the greatest name of Allah. So ये जो एयरक्राफ्ट आप देख रहे हैं ये कोई आम एयरक्राफ्ट नहीं, ये इंटरनेशनल कार्गो ट्रांसपोर्टर एंटोनोव AN-225 है, जो कि इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट था, लेकिन ये अब नहीं रहा। इट वॉज डिस्ट्रॉयड इन द वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। रशिया ने अपने मिसाइल्स के जरिए इस एयरक्राफ्ट को तबाह कर दिया। इस एयरक्राफ्ट में 6 इंजन्स थे और इसकी मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 6,40,000 किलोग्राम था और ये एक वक्त में 15,000 किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकता था। और मैं आपको बताते चलूं कि ये एक वक्त में 4 टैंकर्स और कई बड़े बड़े जनरेटर्स और इंजन्स लेकर ट्रेवल कर सकता था। यूक्रेन के लोग इसी एयरक्राफ्ट को ड्रीम कहकर पुकारते थे, क्योंकि ये एंटोनोव हमारे पास लास्ट था, इसके बाद हमारे पास अब कोई एंटोनोव नहीं बचा, तो ये एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। और आज की वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव थी, होप आपको पसंद आएगी। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू प्रे फॉर पाकिस्तान एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।